आपका एग्रीमेंट कॉस्ट है 24 करोड़, और मैं यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से कि ये वाला रास्ता को आप कब कम्प्लीट करेंगे, आपका स्केरसिटी क्या है, या मैं क्या चीज़ों कमियाँ है जो कि आप लोग इतना देर कर रहे हैं। जितना कॉन्ट्रेक्टर को मैं यही बोलूँगा, आप क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रहा है। अला चीफ सेक्रेटरी अंगुल तारा सलाम दा बलाम होगा नुल मजी मागरी कोन नुल और में नगो ते मागरी कोन मुल ते तारे कदा सार बेंगा मरीज तार नक सार मुल आयो ngo आयो कुरम क तंग तो का पैसा ng मिचा कोम जरी पक रिन मुल ते जो यापा रिज तार मे नंगुल का या तो 19 किलोमीटर ओनली। और तारासो ऐसे एक जगह है, प्लेन लैंड है, यहाँ कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इतना समय क्यों लग रहा है? ये करप्शन नहीं तो और क्या है? सड़क तो हाल हाल में चाहिए, पैसा कैसे वापस आएगा? पैसा वापस क्यों जाएगा? नमस्कार, मैं तेजी शक्ति एटी टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं तारासो सर्कल पे, यहाँ पे आज गांव बुरा एसोसिएशन, उसके बाद यहाँ के आम आदमी और यहाँ के TCYA जो बोलते हैं तारासो सर्कल यूथ एसोसिएशन, आज यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। क्यों बोलने से, क्योंकि यहाँ का जो PMGSY सड़क है वो 2017 को यहाँ बनाना शुरू किया था और 2019 को ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन आज 2022 है और 5 साल लग गया इस सड़क को बनने में, लेकिन अभी तक 20% तक भी नहीं बना। मैक्सिमम सड़क जो है ब्लैक टॉपिंग जो है अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप सबको हम दिखाएंगे, उसके बाद आइए हम जानते हैं विस्तार में कि यहाँ का यूथ और यहाँ का गाँव रहा एसोसिएशन का क्या कहना है। आइए हमारे साथ बने रहेगा। आज का जो ये प्रोटेस्ट है, ये वाला रूल RWD डिपार्टमेंट का तरफ ये उसको अगेंस्ट किया गया है। ये RTI का जरिए से हमको ये मालूम हुआ कि ये वाला जो रास्ता जो आपका ताराजुली तो राधा सो पुल स्टेज पैकेज नंबर AR07026068 ना, उसका फार्म का नाम है MS ATW प्राइवेट इंडिया लिमिटेड। आपका एग्रीमेंट कॉस्ट है 24 करोड़, उसका टाइम ऑफ कंप्लीशन है आपका 24 मंथ का अंदर में। तो ये जो आपका 19.5 किलोमीटर है, उसका बाद ये आपका राधासो से लेके रामगढ़ से लेके आपका जो अभी कचुबारी तक का ही सिर्फ एक बीती किया गया है, और उसका बाद यहाँ में और बीती करने का तो वो और बहुत सारा है। और मैं यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से कि ये वाला रास्ता को आप कब कंप्लीट करेगा। और यहाँ में डिपार्टमेंट को और साथ में ये कॉन्ट्रेक्टर को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ में आपका स्केरसिटी क्या है, यहाँ में क्या चीज़ों कमियाँ है जो कि आप लोग इतना देर कर रहे हैं? यहाँ में आपका लेबर बोलो, मैन पावर, हर चीज़ बोलो, सब कुछ सामने में है, लेकिन फिर भी आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे? और तो और ये वाला जो आपका 24 मंथ का अंदर में कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ में लगाया 5 साल, 5 ईयर्स रनिंग हो रहा है। और उसका बाद जितना कॉन्ट्रेक्टर को मैं यही बोलूँगा, आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहा है, ये जो काम में क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रहा है। और तो और हम गवर्नमेंट से डिपार्टमेंट से यही बोलना चाहता हूँ कि आप काम को देखते हुए आप इतना पैसा को एग्जीक्यूट किया, 7th RA तक दिया, वो किस लिए दिया? और यहाँ में 24 करोड़ में से अभी है सिर्फ 4 करोड़ बाकी है, 20 करोड़ ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया गया है। आप ये पैसा को किसको दिया गया है? कॉन्ट्रेक्टर को दिया है तो अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? मैं यही आपका RWD डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ। और अगर अभी तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से एक आया कि ये 31 सितंबर तक का ये कंप्लीट होना चाहिए था, जितना भी कंप्लीशन है आपका PMGS सेकेंड पेज का जितना भी है कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन अभी तक हम लोग का तारासो में ये चीज़ कंप्लीट नहीं है। तो डिपार्टमेंट को यही पूछना चाहता हूँ कि अगर आप 5 साल में कंप्लीट नहीं किया, ये 2-3 दिन में आप क्या कर लेगा? तो मेरा सीधा सा बात बनता है कि ये वाला जो प्रोटेस्ट जो रास्ता तो बनाना ही है आपको, और प्लस ये हम लोग जो TCYA और साथ में जितना गांव बुरा मिल के हम लोग ये चीज़ को हम लोग डिस्कस किया है कि कल को अगर ये रास्ता नहीं बनता है तो हम दूसरा फर्दर स्टेप, मतलब डायरेक्ट UPIA DC ऑफिस में हम लोग ये वाला प्रोटेस्ट और चालू करेगा। मेरा नाम गोलोरिकू, कन्वीनर TCYA।
मैं डिपार्टमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतना छोटा सा रास्ता है लेकिन आप लोग सिस्टमेटिक में काम क्यों नहीं कर रहे हैं। 19 किलोमीटर ओनली, और तारासो ऐसे एक जगह है, प्लेन लैंड है, यहाँ कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इतना समय क्यों लग रहा है? ये करप्शन नहीं तो और क्या है? और पीएमजी रोड हमेशा क्यों ऐसे हमेशा डिले होते रहे, क्यों हमेशा मीडिया में आते रहते हैं? जो केमिन में भी हम देखा है, उसमें भी कवरेज कर रहा है अभी, वाई ऐसे क्यों होते जा रहा है? और हम लोग का जो राइट क्यों क्यों आप लोग छीन रहे हैं? डिपार्टमेंट पब्लिक के लिए है, हम लोग पब्लिक के लिए नहीं है, डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। पब्लिक अपने डिपार्टमेंट अपना काम को करना चाहिए था, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है, उसका कारण आज हम लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और कर भी रहा है। और हम लोग का ये आवाज़ को हम मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हाई लेवल तक पहुँचाएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आप लोग इतना साल, ये जैसे कि 2019 को ख़त्म होना चाहिए था ये काम, है कि नहीं, एज पर कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब से, एग्रीमेंट का हिसाब से, तो इतना साल तो आप लोग कहाँ था, इस बीच में आप लोग कहाँ था, पहले आवाज़ किस लिए नहीं उठाया इस सड़क को लेके? आवाज़ आपने अभी सवाल किया है, उसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर में जो हम लोग का सर्कल का एसोसिएशन था, ये उसको वो टीम जो करना चाहिए था, लेकिन वो लोग चुप बैठा, ये मेन मुद्दा है। और एक बात है, यहाँ थोड़ा सा हम लोग एरिया का जो लीडर होता है उसका निग्लिजेंस के कारण भी हुआ है। अगर वो लोग सही समय में काम करता तो आज प्रेशर देता तो आज ये काम कंप्लीट हो जाना था। आप लोग यूथ कभी कॉन्ट्रेक्टर को मिल के कभी बोला है कि ये काम को जल्दी से करने के लिए, कभी आप लोग ने उनके साथ जाके बात किया? हाँ, बात तो किया है, लेकिन कॉन्ट्रेक्टर के हिसाब से वो लोग बोलता है काम ऑन प्रोसेस है, ओनली बस ये बताता है काम जल्दी से हो जाएगा, बस वक्त पे वक्त देते गया है, लेकिन वक्त का हिसाब से काम नहीं किया वो लोग, तो उसका कारण आज हम लोग सिचुएशन ऐसे हालत हो गया कि हम लोग आज यहाँ तक आना पड़ गया। अभी आप क्या चाहते हैं, सड़क बनना चाहिए ना पैसा वापस जाना चाहिए? सड़क तो हाल हाल में चाहिए, पैसा कैसे वापस आएगा? पैसा वापस क्यों जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग को जो तारासो वासी के लिए पैसा दिया गया है, क्यों उसको हम वापस जाने देगा? डिपार्टमेंट अगर वापस जाता है तो डिपार्टमेंट आप कहीं से भी हम लोग को ये रास्ता कंप्लीट करना पड़ेगा, ये हम लोग का यहाँ का तारासो का मांग है, पैसा वापस जाना नहीं चाहिए, और आप जाने भी नहीं देगा, और डिपार्टमेंट अगर जाएगा तो हम लोग फर्दर इश्यू SIT में ज़रूर केस करेगा। जी, आपके जैसे कि RTI के थ्रू आपने जो मिला है कागज, तो उसमें हम भी देखा जाए तो 20 करोड़ से ज़्यादा पैसा ले चुका है, जहाँ तक कि ये 24 करोड़ का काम है, तो कॉन्ट्रेक्टर तो 90% पैसा ले लिया, तो अभी वो काम नहीं भी कर सकते, आप क्या बोलना चाहेंगे उसके विषय में? उसका विषय में तो हम उतना बोलेगा, ये डिपार्टमेंट का नेग्लिजेंस कारण हुआ है, क्योंकि आप डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रेक्टर मिल के काम किया है, तो इसमें तो कॉन्ट्रेक्टर तो मांगेगा ही ना पैसा, हम उतना तो काम किया है, लेकिन वो डिपार्टमेंट उसको देखना चाहिए कि काम कहाँ तक हुआ है, आप ग्राउंड रिलेटिव में जा के देखना चाहिए कि काम हुआ कि नहीं है, आपका नेग्लिजेंस के कारण से आज इतना पैसा या 24 करोड़ से आउट ऑफ 20 करोड़ खत्म हो चुका है, तो इसमें हम लोग क्या करेगा अभी? वो तो डिपार्टमेंट के अंदर में है ना, पब्लिक तो जस्ट डिपार्टमेंट का वेटिंग करता है। मूल सालक दो नाम से मूल बहुत दुख आक दो पा मूलोग सोलामदा PMG सा मराब को नाम है 2017 का मे महीना होगा मराब पा मराब एक जा पदा 5 वर्ष पार दो हो सो मूलम का कुना मैं लामदांग अदा का मैं जी लो अल्पा अदा का ममा हो का जो बोले स्पीकर अभी नहीं बा गोचो चोल पपुम पबुआ लोग कोचो बारी काग ओके पा अलकतरा प्यालिम पा 3 किलोमीटर को पापा अब पातल सो गए लामदांग अम्म कुमा लपा लपा है ओके होगा 20-25 मीटर का कम जगह गए खाली तल दो दो बुका तल दो दो हो गए जगह जगह मैंने बोलो गए सी अपर तरह से मैं लाइल बीस ओके नाम राशि गए दो जीव नाम बीस का मिलीम पा बस गए लोअर तरह से का पूरा कैसा अब दो लाई कुल गोचो हम गोचो चोल का अगर 1 किलोमीटर ले गए दो पहाम का के दिवाजी कुमार ये पापा तार से पापू बे गाड़ी में पोसी तो कुल उद गए इंटर दो अब बोलो गए स्कूल आलो गए सेकेंडरी स्कूल आलो गए तो लोअर तरह से हो गए 32 चार्ज तय कागब उल को मिचाया पा तो लोग तुतेली राधा सो कागब केदी का ममा उल का या कुमा बुका कुल लोग बुका पन हवे दो पा
हम उल काला इकुल यू तेमिया नुल पाइल काला बोए ऑफिस तो काका तक सलामदा बिली ली तीन दोस्त दुकने रहे और तो का पैसा वो कभी सी निकुन रहे उल बिंगले पगांग बरांग है बिंगले रे यू तेमिया कापेल बिंगा में 20 करोड़ आसपास माने दरो पक्को और तरह सो कतोली चार्च का अगर ब्लैक टॉपिंग मप्पा को निकल का तम पक और अलोग राधा सो अलोग एच तेव उलिंग या अप्पा को निकल बिंतम रिको है कंगुल सो उल सो धरना सा दोगरी नहीं और मुले साम नुलाम गर्मी नाम मुले हल रिकोस में दो आर डब्ल्यू डी गर्मी ने और मुलोग सेंसन जिन बो मुलोग पॉलिटिकल गर्मी नाम मुले अचिंग में दे मुल सो उल सी नुल मिलियां हम गोआला इल मुले सो लामदा से होगो ब्रिंगो तो कुल सब रील कुन होगो काम हम रील दो कुमा बसरा एक महीना को मिचारी तारें 11 महीना रिकुमा अंगुल मेना में आज न्यो कम काना में टेंडर ना कुबोलो खत्म मा दे दे काम हम कॉन्ट्रैक्टर रील दो दा असि अंगुल से ब्री कुमा होगा बंगो सोल नुला में बिजारी कोस में ने हम मीडिया टीम हम कनुलम अन्या जा रिपोर्ट जित बका अंगुलो के डिपार्टमेंट ने सो आलो सो लोग रिक्वेस्ट हम कातल जदि इनिशी ना कुमा बालो काम सो तरती वन कागब सीजा से बराब अनम से नाम दो कुबालो काम मुल अरा स्टेट गवर्नमेंट नाम अराब गांग बरांग है यूत मुल तारिन अला चीफ सेक्रेटरी अंगुल तारा सो लाम दा बलाम हो गब नुल मेजी मागरी कौन हो नुल गवर्नमेंट नगब ते मागरी कौन मुल ते तारिन है बोंगा बिंग नाम है नुल इमान साल दो तल नुल लोग गब अतो दरा अलो मा 2019 नो कोतम दिप लगे सले वो इमान बोसर अरा दो पक्षी 5 वर्ष ता दो ओनु लोग गब अतो बीमा पन नुल बिनम रे नुल कॉन्ट्रैक्टर हम बिनम रे नुल सिलामता सम अनु मरुम दि बिना रे मूल माने कॉन्ट्रैक्टर हम जोरो जो तारिन तेरिन कॉन्ट्रैक्टर बिंगा में अंगुल रेविया साहब का बिंज पा पिकनिक देख पपुम पबो है सदा सार बिंगा में रिज तर नक सार मूल आयो ngo आयो कुरम के तंग तोका पैसा ng मिचा कोम जुरी पक हरिन मूल तेजु या पा रिज तर मे नंगुल काया दो पा ओकेरम ते हे तो कल बिल्ली लितेंग सग सितंबर 13 खतम हरी को नंग लामलाई को सोल सो को तासा जो लिंगरे अच्छा सो का कॉन्ट्रैक्ट तरे तादा भी गम मी कुमा के कॉन्ट्रैक्ट तरे न्यूता आला है बिद लका और मी कॉन्ट्रैक्ट तरे मी माकल बिद को माम तादा मुल मुले गोग ते नाम ओग मुल रेविया साहब सेंसन बालिन जिब काविंगा में सो काम सम तादान टेंडर जिपान कला न्यूता बिम पामा मुल चिंगमा मुल तादा नि काल दो दो तदा गो न्यो तदा बोरे पा मी लोगाई सुपाचो मुने उलेब काया दो यहाँ आप खुद ही देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट क्लेम करता है कि क्वालिटी वर्क आज यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ में कुछ क्वालिटी वर्क हुआ नहीं है और जहाँ में मेंटेनेंस चलना चाहिए था लेकिन अभी यहाँ में ये लोग क्लेम मशीन पर अटका हुआ है लेकिन क्या करें आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर ये देखो ना ही यहाँ में क्वालिटी वर्क है ना ही केम्बरिंग है और देखो यहाँ में अभी तक का पोर्टोल्स निकालना शुरू ही हो गया यहाँ में जितना भी है यहाँ से लेके वहाँ तक का जितना भी जो सफ़र है यहाँ ऐसे ही सब कुछ है यहाँ से कोई मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ से गुड क्वालिटी कुछ बना है ऐसे कुछ भी यहाँ नहीं है ये सिर्फ ऐसे है कि यहाँ आप देख सकते हैं देखो यहाँ में सिर्फ पत्थर ही सिर्फ है और कुछ नहीं है यहाँ से निकल रहे देखो ये देखो मछली पकड़ रहा है ये रहा और मछली बहुत ज्यादा है पत्थर का अंदर में अरे हमें कितना और मछली पकड़ो और अभी आप और आगे जाने से और भी दिखाई देगा आपको ये देखिए ये वाला जो यहाँ में भी यहाँ से भी शुरुआत हो के फिर यहाँ में तो पूरा होल खत्म ही है ये तो आगे ये जो आप जो दिख रहा है ये जो अभी जो रात होने का नाते आप उसको अच्छा से तो दिखाई नहीं देगा लेकिन फिर भी अभी कल सुबह भी आके देख लीजिए यहाँ में ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है मतलब कि ये क्वालिटी वर्क बोल सके यहाँ में देखो ये वाला यहाँ में ऐसे करो तो ये वाला देखो पूरा निकल ही रहा है पूरा खत्म है ये पूरा मिट्टी निकल गई है PWD डिपार्टमेंट जो अरे RWD डिपार्टमेंट जो क्लेम करते हैं कि ये लोग क्वालिटी वर्क है और प्लस ना ही यहाँ में कैम्बरिंग है ना ही कुछ है आप इसको अच्छा से देख सकते हैं ये देखो ये क्वालिटी वर्क यहाँ देखो ये जस्ट जैसे दर्द तोड़ो से करने से पूरा निकल जाए ये वाला क्वालिटी वर्क देखो ये
क्या बोलते हैं, क्वालिटी वर्क, एकदम सिस्टम के साथ वो डीपीआर जैसे बनाए ऐसे किया है बोलते हैं। ये देखो क्वालिटी वर्क, ये तो जस्ट नमूना है। अभी तक जहाँ की ये वाला जो आपका मेंटेनेंस चलना चाहिए था 5 साल में, लेकिन अभी तक ये लोग क्लेम नेशन पे अटका हुआ है कि हमने 3 किलोमीटर किया, 3.5 किलोमीटर किया। हम यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आप लोग भी थोड़ा ये आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को आप थोड़ा जांच कीजिए, जितना भी हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है आप लोग थोड़ा इसको देख के, हम लोग का तरासों को थोड़ा दया करके आप इसको थोड़ा देख देने से ठीक है। फिलहाल आगे और भी ऐसे वाला है जो कि मतलब बीच बीच में कुछ बनाया ही नहीं है, ना ही कारपेटिंग किया, ऐसे बेकार में गैपिंग छोड़ दिया। गैप छोड़ने का वजह से हम लोग का यहाँ का जो जनता है मतलब आने जाने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है। और जितना भी बोलो ये जो रास्ता है, रास्ता में जितना भी जो पोथ होल नहीं बनना चाहिए था आज वो बन के निकाल के दे रहा, आप लोग यहाँ में खुद ही देख सकते हैं।